हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज हम लोग जिस थ्योरी को पढ़ने वाले हैं वो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का ही एक पोर्शन है, कार्ल मार्क्स थ्योरी, जिसको हम लोग इसमें एक्सप्लोरेशन, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी इसको कभी कभी बोला जाता है। तो रेट ऑफ एक्सप्लोरेशन की जगह के आप उसको रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कर लीजिएगा। सो बेसिकली हम लोग जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं हर एक थ्योरी में, वही देखेंगे कि कैसे हम लोगों को, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो किस हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए आंसर देने का। एक जनरल थ्योरी का पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले उसका इंट्रो देते हैं हम लोग, फिर उस थ्योरी का एजम्पशन, क्योंकि एजम्पशन ही बेस होता है किसी का भी, तो आप एजम्पशन पहले क्लेरिफाई करना होता है कि आप जो थ्योरी है वो किस एजम्पशन पे बेस्ड होता है, फिर उस थ्योरी का डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर क्रिटिसिज्म एंड इन द लास्ट कंक्लूजन। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का पैटर्न क्या होना है, हम लोग डायरेक्ट थ्योरी पोर्शन पे आएंगे एंड इसका जो क्रिटिसिज्म है उसको देखेंगे, और लास्ट में आंसर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 20 नंबर का पूछा जाएगा, तो हम लोग कंक्लूजन आप खुद से इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी का इंट्रोडक्शन पार्ट, कि बेसिकली कार्ल मार्क्स का क्या मानना था, कैसे एक इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ के लेवल को अटेन करता है, उनका क्या इसके रिगार्डिंग व्यू था, उसको देखते हैं। तो थ्योरी सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ग्रोथ मॉडल ऑफ कार्ल मार्क्स वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक दास कैपिटल। जब कैपिटलाल लिखा गया है एक्चुअली, सो वो कैपिटल होता है TAL तक, KAPITAL, तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, कुछ कुछ इरर आया है, बेसिकली ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई किया जाएगा कि वो सब ना हो। तो सबसे पहले आपको बताना है, क्योंकि इनका बुक पब्लिश हुआ था, जब इनका डेथ हो गया तो कुछ और बुक पब्लिश हुआ था, तो ये जो कंसेप्ट रिगार्डिंग दिए थे इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग, वो किस बुक में दिए थे, दास कैपिटल। इन दिस थ्योरी ही हैव एक्सप्लेन्ड अ न्यू आइडिया अबाउट ग्रोथ। इनका एक अलग पर्सपेक्टिव था, इनका क्या मानना था वो बताते हैं कि कैसे, ये एकदम बेसिक से ले जाते हैं कि कैसे एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या अलग स्टेज आता है उस सोसाइटी में, और कैसे वो उस स्टेज को पार करते करते एक सोसाइटी इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेंड करता है, वो इसके रिगार्डिंग एक थ्योरी दिए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि इन दिस थ्योरी ही हैव एक्सप्लेन्ड अ न्यू आइडिया अबाउट ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देर आर 5 स्टेप्स टू अटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्या बोला जा रहा है, कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स देर आर 5 स्टेप्स टू अटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ इन एनी इकोनॉमी और सोसाइटी। वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ अटेन करने के लिए आप एक फेज़ है, उस फेज़ तक पहुंचने के लिए बेसिक 4 और फेज़ होता है या 5 फेज़ होता है जिसको कवर करना पड़ता है। क्या क्या फेज़ होता है, तो पहला प्रिमिटिव सोसाइटी, दूसरा स्लेवरी का फेज़ आता है एक सोसाइटी के अंदर, तीसरा फेडरलिज्म का फेज़ आता है, एंड चौथा कैपिटलिज्म, और पांचवा सोशलिज्म। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि कैसे एक इकोनॉमी में ये सारा फेज आता है। तो सबसे पहले जब बेसिक में कुछ भी नहीं था, तब माना जाता है कि उस समय को बोला जाता है प्रिमिटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट फेज में क्या था हमारा सोसाइटी, तो प्रिमिटिव सोसाइटी था। तो इन प्रिमिटिव सोसाइटी पीपल वेयर बैकवर्ड एंड पीपल डिपेंड अपॉन हंटिंग एंड फॉरेस्ट कलेक्शन। थोड़ा इसको समझिएगा, वहाँ पे लोग क्या थे, बेसिक अनअवेयर, मतलब कोई वहाँ पे डिसिप्लिन या ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं था, सारे लोग मस्त अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो इसी को हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटी बोल रहे थे। अब क्या हुआ, इसी स्टेज में, इसी दरमियान कुछ पावरफुल लोग निकल के आए, जो क्या करते थे, जिनके अंदर कुछ लोग काम करने लगे। तो ये किस स्टेज को जन्म दिया, तो ये स्लेवरी के स्टेज को जन्म दिया। तो इन दिस स्टेज सम पीपल बिकेम वेरी पावरफुल एंड दे स्टार्ट रूलिंग ऑन अदर पीपल। पीपल चूज देयर मास्टर एंड दिस इज कॉल्ड स्लेवरी। इसी को क्या बोला जाने लगा, तो स्लेवरी का स्टेज बोला जाने लगा। आगे समझते जाइएगा कैसे एक सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी, अभी क्या आया स्लेवरी का स्टेज। अब स्लेवरी के बाद देखिएगा,
कुछ पावरफुल मास्टर। यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक गुलाम, दो गुलाम या फिर ऐसे एक आदमी उनके अंदर था, तो अब क्या हुआ वो और ज़्यादा पावरफुल होते गए और उनके अंदर बहुत सारा काम करने लगा। इसी को हम लोग फेडरलिज्म का नाम दे दिए। तो यही यहाँ पे बताया क्या गया है कि पावरफुल मास्टर बिकम रूलर एंड दिस गेव बर्थ टू द फेडरलिज्म। ग्रेजुअली फेडरलिज्म चेंजेस इनटू कैपिटलिज्म, और यही बाद में जो फेडरलिज्म है वो कैपिटलिज्म, मतलब पहले क्या था रूलर थे बने, और जब ये रूलर बने तो इनका मोटिव चेंज हो गया कि अब अपने बारे में सोचने लगे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करें या कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। तो फेडरलिज्म भी अब किस में चेंज हो गया, कैपिटलिज्म में। और कैपिटलिज्म में जो मेन मोटिव हो गया वो क्या हो गया था, प्रॉफिट अर्निंग का। तो वही यहाँ पे लिखा गया, इन कैपिटलिज्म पीपल ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय अनहेल्दी कंपटीशन। अब क्या हो गया कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते गया, धीरे धीरे लोगों का उत्साह भी बढ़ते गया और उनका मन का लालच भी बढ़ते गया कि मेरे को अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो यही किसको जन्म दिया, एक अनहेल्दी कंपटीशन, जिसमें वो लेबर को हायर करते थे, लेबर को हायर करने के बाद उनसे ज़्यादा काम करवाते थे ताकि उनको, आगे देखिएगा आप, एक टर्म आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस वैल्यू या रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो कैसे इन दोनों के बीच कनेक्शन है ये हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब कैपिटलिज्म में जैसे ही एक सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू दिस पुअर क्लास एंड लेबर क्लास स्टार्टेड मूवमेंट। अब आप किसी को जितना आप दबा लीजिएगा वो उतना ज़्यादा ही ब्रस्ट होगा, मतलब वो ज़्यादा उसका उतना ही गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट कमाने या ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के दरमियान लेबर क्लास को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे थे। पहले बेसिक ये माना जाता था कि लेबर क्लास को आप उतना ही दो जितना वो उनसे उनका काम चल जाए। तो इनका का क्या हो गया कि अगर ये 8 घंटा काम कर रहे हैं तो इनको 5 घंटा, 4 घंटा के बराबर इनकम मिलता था, बाकी 3 घंटा क्या था, फ्री का इनको खटवाया जाता था। तो वही अब क्या हुआ, अब इन लोगों का गुस्सा फूट गया, और जैसे ही गुस्सा यहाँ पे इन लोगों का आग बबूला हुआ, उसके बाद ये लोग एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, रिवॉल्यूशन आता है, और जिससे जो कैपिटलिज्म था वो किस में चेंज हो जाता है, तो सोशलिज्म में। तो आराम से समझिएगा कैसे एक सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो वही यहाँ पे क्या बताया गया है, ड्यू टू दिस पुअर क्लास एंड लेबर क्लास स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रिंग रिवॉल्यूशन, एंड ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन कैपिटलिज्म चेंजेस इनटू सोशलिज्म एंड इकोनॉमी स्टार्ट ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। और इकोनॉमी क्या होता है, अब ग्रोथ करने लगता है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटी से एक सोशलिज्म का कंसेप्ट लाए जहाँ पे हर कोई को ध्यान दिया गया और सभी अपने ग्रोथ का, फिर जैसे ही सबका बात आ गया तो एक ग्रोथ का लेवल भी आ जाएगा जब सारे लोगों पे ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो अपने बुक में मेन दो कंसेप्ट दिए थे, एक दिए थे थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू, ये बेसिकली रिकार्डियन थ्योरी से लिया गया था पहले जो कंसेप्ट था। दूसरा वाला कंसेप्ट था थ्योरी ऑफ मिनिमम सब्सिस्टेंस ऑफ लेबर, जिसका मतलब है कि आप उतना ही दो जितना लेबर हकदार है। लेकिन जैसे ही रिकार्डो साहब आते हैं वो क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू, जितना लेबर का वैल्यू है उसको उतना मिलना चाहिए। तो ये अलग अलग कंसेप्ट को मिक्स करके अपने बुक में दिए थे। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या कंसेप्ट दिया गया था। तो आप इन दोनों कंसेप्ट के जरिए ये बताइएगा कि थ्योरी ऑफ लेबर वैल्यू का उन्होंने उन्होंने समर्थन दिया कि सपोर्ट किया कि थ्योरी ऑफ लेबर लेबर को उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है कि थ्रू दीज कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर कैपिटलिस्ट ट्राई टू मेक देयर प्रॉफिट मोर एंड ड्यू टू दिस एक्सप्लॉयटेशन द कैपिटलिज्म इज एलिमिनेटेड एंड सोशलिज्म अराइव्स। तो हम लोग ये सेम बात देख चुके हैं कि कैसे कैपिटलिज्म का जो मोटिव था पहले इकोनॉमी में वो चेंज होके सोशलिज्म का मोटिव हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है कि ही एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी इन हिज फॉलोइंग वेज, यहाँ पे थॉर्नी एक्चुअली लिखा हुआ है तो आप इसको सही करके थ्योरी कर लीजिएगा। ही एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी इन फॉलोइंग वेज, अकॉर्डिंग टू हिम देर आर 3 कंपोनेंट वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स। अब थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल बात पे ला रहे हैं कि कैसे एक लेबर को, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है।
ये बोलते हैं किसी भी गुड्स का वैल्यू डिटरमाइन करने के दरमियान जो तीन फैक्टर काम करता है, वो तीनों फैक्टर क्या क्या है? तो पहला है फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वेरिएबल कैपिटल, और तीसरा है सरप्लस वैल्यू। अब देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। तो दीज टाइप ऑफ कैपिटल डू नॉट प्रोड्यूस एनी सरप्लस एंड इट इज़ डिनोटेड बाई सी। ये जो कैपिटल होता है बेसिकली जो एक प्रोड्यूसर, मतलब हम लोग एक इकोनॉमिक्स के भाषा में पढ़ते हैं फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो आप अगर रूम लिए हो तो आपको पे करना ही करना है उसका रेंट। अगर आप जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी आपको पे करना है, अगर आप 10 आउटपुट वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो तब भी आपको रेंट पे करना है। तो इसी तरह एक किसी भी लेबर का क्या होता है कि वो कुछ फिक्स्ड कैपिटल इंकर्ड करते हैं वाइल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो उनको उतना पे करना ही करना है फिक्स्ड, तो उसी को बोला जा रहा है फिक्स्ड कैपिटल। जो प्रोड्यूसर है उनको पे करना है। आगे क्या है, और यही बताया गया कि ये सरप्लस वैल्यू जनरेट नहीं करता है। आगे है सरप्लस कैपिटल, दिस क्रिएट्स द सरप्लस वैल्यू एंड इट इज़ डिनोटेड बाय बी, और यही सरप्लस वैल्यू डिनोट करता है। और लेबर कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल बोलने का मतलब क्या, जो कैपिटल लेबर को दिया जा रहा है या वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया जा रहा है, तो जो सरप्लस जनरेट हो सकता है वो किस में हो सकता है, इसी के द्वारा जनरेट किया जा सकता है। तो वही बताया गया कि वेरिएबल फैक्टर, दिस क्रिएट्स द सरप्लस वैल्यू एंड इट इज़ डिनोटेड बाय बी। सरप्लस वैल्यू, द सरप्लस वैल्यू इज़ द डिफरेंस ऑफ अर्निंग अर्नड ड्यू टू लेबर एंड वेज पेड टू लेबर। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आप एक प्रोड्यूसर हैं थोड़ा ये समझिए, आप अगर एक प्रोड्यूसर हैं आपका प्रॉफिट क्या होगा, आप जितना लेबर को पे करोगे और जो आपको आय मिलेगा, जितना आपको जनरेशन होगा, इनकम जनरेट होगा, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, प्रॉफिट के बराबर होगा। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि द सरप्लस वैल्यू इज़ द डिफरेंस ऑफ अर्निंग। कैसा अर्निंग, तो वैसा अर्निंग दैट इज़ अर्न ड्यू टू लेबर एंड वेज पेड टू लेबर। जितना लेबर के द्वारा अर्न किया गया और जितना लेबर को पे किए हैं इस अर्निंग को अर्न करने के लिए, उसी का डिफरेंस क्या होता है, सरप्लस वैल्यू। दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट एंड इट इज़ नेम्ड बाय कार्ल मार्क्स एज द अनअर्नड इनकम ऑफ इनकम। जो कैपिटलिस्ट, जो उनको नहीं मिलना चाहिए वैसा इनकम, विच इज़ अर्न ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। और ये क्यों मिला है, तो बेसिक समझिएगा, अगर हम किसी लेबर को 8 घंटा कटा रहे हैं, उसको अगर 4 घंटा का हम सैलरी दे रहे हैं, तो बाकी 4 घंटा का प्रॉफिट तो कैपिटलिस्ट को ही होगा। तो यही 4 घंटा का प्रॉफिट उनको क्यों मिल रहा है अभी, क्या जो 4 घंटा कटा रहे हैं। लेबर अगर 1 लाख का कार प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 1 लाख नहीं मिलता, उसको 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे मिलता है। तो लेकिन वो बेच के 1 लाख में बेचा जा रहा है, तो उनका जो डिफरेंस है वो किस कारण से हो रहा है, क्योंकि वो ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा कटा रहे हैं उन लोगों को, तभी वो उनको उनसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रहा है और कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ नेम्ड बाय कार्ल मार्क्स एज द अनअर्नड इनकम ऑफ कैपिटलिस्ट विच इज अर्नड ड्यू टू लेबर। चलिए आगे समझते हैं कि कंसेप्ट, नेम द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू एज द रेट ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली एक इक्वेशन है, वो उस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। इक्वेशन है R बराबर S by V। यहाँ समझिएगा R जो है वो क्या है, वो है रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कितना एक्सप्लॉयट किया जा रहा है लेबर लोग को, वही R है। और S क्या है, जितना सरप्लस वैल्यू है जनरेट हुआ है वो है। भी क्या है, कितना वेरिएबल फैक्टर को हायर कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये इक्वेशन यहाँ पे है, क्या है इक्वेशन, R बराबर S बाई V। नीचे में आपको क्या देना है, R इज इक्वल टू रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, S इज इक्वल टू सरप्लस वैल्यू, V इज इक्वल टू वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। सो यही यहाँ पे बताया गया है। तो इस इक्वेशन को लिखिएगा बहुत ही ध्यान से, एंड देन तो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या देख रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि R इक्वल टू S बाई वी। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो R है और ये जो सरप्लस वैल्यू है वो एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ज़्यादा सरप्लस वैल्यू कमाना है तो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना होगा लेबर को, तभी एक कैपिटलिस्ट या कोई भी प्रोड्यूसर ज़्यादा कमा सकता है।
तो वही यहाँ पे बताया गया कि फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन सी दैट रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इन इकोनॉमी द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीजेज द प्रॉफिट देन प्रॉफिट इंक्रीजेज बट इट इज़ नॉट द लास्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ. जैसे ही अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ाना होगा, पर यही लास्ट स्टेज ग्रोथ का नहीं होता है. आगे समझते हैं बात को. तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लास्ट स्टेज किस लिए नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे वो लोग गुस्सा हो जाएंगे और एक आंदोलन जिसके कारण छिरेगा, और उस आंदोलन का मेन मोटिव क्या हो जाएगा बदल के, कि हमको भी ज़्यादा इनकम चाहिए. और जैसे ही यहाँ पे ये कंसेप्ट आ गया सोशलिज्म का, उसके बाद ग्रोथ उस इकोनॉमी में आ सकता है. तो बेसिकली इनका जो मेन कंसेप्ट क्या था कि एक पैटर्न है ग्रोथ को लाने के लिए. सबसे पहले पैटर्न क्या है कि कैपिटलिज्म फेडरलिज्म के बाद हम लोग क्या देखें कि कैपिटलिज्म का कंसेप्ट आया. जैसे ही कैपिटलिज्म का कंसेप्ट आया तो प्रॉफिट का कंसेप्ट आ गया. प्रॉफिट का कंसेप्ट आया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन का कंसेप्ट आया. और जैसे ही एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा एक आंदोलन छिरेगा, और वो आंदोलन क्या कंसेप्ट लाएगा, वो आंदोलन उस आंदोलन के कारण उस इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा और सबको वैल्यू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग. तो मेन यही इनका थ्योरी था. आगे इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, देखिए क्या क्या किस बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया. पहला बोला जाता है कि कार्ल मार्क्स मॉडल इज़ नॉट एन इकोनॉमिक मॉडल, ये कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है. दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ अनरियलिस्टिक मॉडल बिकॉज इट एज्यूम्स द कंडीशन ऑफ सोशलिज्म आफ्टर कैपिटलिज्म. ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक नेचर हो जाता है. आप अगर रियलिटी देखिएगा तो कभी ऐसा नहीं होता कि अभी भी लेबर को उनके मेहनताना अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं मिल रहा है. तो ये जो मानते हैं कि हाँ सोशलिज्म का कंडीशन आ ही जाएगा जहाँ पे सारे को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, वो शायद सही नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट लेबर मूवमेंट इज़ ओनली फाउंड इन कैपिटलिज्म. अब बोला जाता है कि क्या गारंटी है कि अगर वो सोशलिज्म का कंसेप्ट आ भी गया तो वो लेबर लोग खुश होंगे और बाद में और कोई रिवॉल्यूशन ना होगा और जिसके कारण वो और इनकम का मांग ना कर रहे होंगे. तो इसका भी कुछ गारंटी नहीं है. नेक्स्ट क्या बताया गया कि कार्ल मार्क्स मॉडल इज़ अ स्टैटिक मॉडल, इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन डायनेमिक इकोनॉमी. अब बोला जाता है कि ये इकोनॉमिक एक बहुत ही मतलब शांत स्वभाव का दे दिया गया थ्योरी कि ऐसा 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 होगा और लास्ट में ग्रोथ आ जाएगा. बट हमारा इकोनॉमी इतना कॉन्स्टेंट नहीं है कि ये सारा चीज़ अप्लाई होगा और लास्ट में देखेंगे ग्रोथ आ गया. तो इसीलिए ये पॉइंट बताया गया कि कार्ल मार्क्स मॉडल इज़ अ स्टैटिक मॉडल और जो कि डायनेमिक इकोनॉमी में फॉलो नहीं किया जा सकता है. तो ये हमारा बेसिक था एंड आई होप कि आपको पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.